17 सितंबर 2023 यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की ओर से आह्वान और रेवाड़ी के हुड्डा मैदान में पहुंचे लगभग 1 लाख से ज़्यादा जवान। वीरान पड़ा रेवाड़ी का हुड्डा मैदान आज पूर्व सैनिकों के नारों से गूंज उठा। ये वही मैदान है जिसमें 2013 में हमारे देश के प्रधानमंत्री, उस समय जब प्रधानमंत्री नहीं थे, तब उन्होंने इसी हुड्डा मैदान में आके पूर्व सैनिकों का समर्थन मांगा कि आप मेरा साथ दीजिए, मुझे मजबूत करिए, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो आपकी हर एक मांग पूरी करूंगा। लेकिन वो दिन और आज दिन भूतपूर्व सैनिक लगातार सड़कों पर है अपनी मांगों को लेकर। आप जैसा कि देख पा रहे हैं पूर्व सैनिकों का जोश, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, इन्हीं नारों के साथ में हुड्डा मैदान गूंज उठा और वहाँ पे पूर्व सैनिकों का जो सैलाब है वो ऐसा उमड़ा कि ये मैदान ही छोटा पड़ गया। हर तरफ पूर्व सैनिक ही पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिकों के संगठन जत्थेबंदियों के साथ में भारत माता की जय और तिरंगे के साथ में और अपने अपने बैनर के साथ में हुड्डा मैदान पे पहुँचे। इनका जन सैलाब देखते ही बनता है। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार पूर्व सैनिक अपनी एक ही आवाज़ रख रहे हैं, हमें हमारा हक दो, हम आपसे भीख नहीं मांगते, हम हमारा केवल हक मांगते हैं। और इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत माता की तो जाकर मीटिंग की है, उसी के लिए एक राजस्थान का झुंझुनू में हमने मीटिंग की थी, तो जयपुर से हमारे सितंबर मुजुरा 2500 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा करके झुंझुनू पहुंचे। इनके स्वागत के लिए डंडा फहरा जाए। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos. For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.